अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर, जिसका मतलब ये है कि आपने मल्टीपल कंडीशंस की बेस पे कुछ चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखी है, उसके ब्लॉक के अंदर आप एक और इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। अब ये जो नेस्टिंग है ये किसी भी लेवल तक हो सकती है, यानी आप एक दफ़ा इफ लिखें, उसके अंदर नेक्स्ट इफ कंडीशन लिख दें, फिर उस इफ कंडीशन के अंदर कोई और इफ कंडीशन लिख दें, तो ये नेस्टिंग का लेवल आप कोई भी कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आपने नेस्टेड इफ लिखा है तो अंदर वाला जो इफ है उसके अंदर तब ही कंट्रोल जा सकता है जब बाहर वाला इफ की कंडीशन ट्रू होगी। तो इसमें नेस्टेड इफ में भी ऐसे ही है, अगर आपने इफ के अंदर कोई इफ का ब्लॉक है, फिर एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है, तो उसमें कोई एक ही ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो अगर आप नेस्टिंग का लेवल इंक्रीज करते जाते हैं, यानी इसके अंदर इफ, इसके अंदर इफ, इसके अंदर इफ, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कोड की बढ़ती जाती है। सो इसमें नेस्टेड इफ में एक प्रॉब्लम आती है, वो है एल्स की प्रॉब्लम, कि एल्स हमें पता नहीं चलता कि वो बाहर वाले इफ के साथ है, या यूँ कह लें कि वो बाहर वाले इफ का एल्स है, या फिर वो अंदर वाले इफ का एल्स है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, इफ कंडीशन, आपने इफ लिखना है, कीवर्ड कंडीशन लिखनी है, अब उस ब्लॉक के अंदर यानी उस इफ के ब्लॉक के अंदर आपने फिर एक इफ लिखा, उसकी कंडीशन लिखी, उसकी स्टेटमेंट्स लिखी, और फिर एल्स लिखा, और फिर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी। तो इसके बाद आपने जो else है उसका ब्लॉक लिखा, यानी इस ये बड़ी खूबसूरती से या फिर प्रिटी तरीके से लिखा गया है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी अगली फेल्स और प्रिटी फेल्स, तो इसमें आपकी इंडेंटेशन प्रॉपर होती है, यानी ये else इस if के बराबर लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि ये else इस if से बिलोंग करता है, इसका ब्लॉक ये है और इस else का ब्लॉक ये है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से क्या मुराद है, ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कुछ फ्लो चार्ट के बेस पे कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि कंडीशन चेक करनी है आपने, अगर वो ट्रू होती है तो अगली कंडीशन चेक करनी है, अगर वो ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, अगर फॉल्स होती है तो कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो आपने ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, और बेसिकली ये इस सेल्स की स्टेटमेंट्स हैं, और आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर आ जाना है। तो इसके एक एग्जाम्पल इस तरह से, अगर आपने एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है आउट ऑफ थ्री नंबर्स, तो आपने दो वेरिएबल्स इनपुट, सॉरी ये प्रोग्राम है कि अगर आपने देखना है क्या दोनों नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसके लिए आपने दो वेरिएबल्स दिए ए और बी, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो आपने कह देना है ए इज स्मॉलर देन बी, If A is greater than 0 and B is greater than 0, तो A and B are both positive numbers, else see out A or B are both negative. तो सबसे पहले आपने outer if में देखा कि क्या A B से छोटा है, तो आपने अंदर वाले block में लिखा है see out A is small. Basically ये program कुछ खास जो है वो मकसद के लिए नहीं है, सिर्फ nested if को show करने के लिए है, जो कि इस तरह से बताया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। एक और एग्जाम्पल है फ्लोट एवरेज, एक वेरिएबल है,
एवरेज इज इक्वल टू 100, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, आउटर इफ है, इनर इफ में क्या है, इफ एवरेज इज लेस देन 70, सी आउट मार्जिनल पास, यानी आपकी एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ये इस ब्लॉक के अंदर आ जाओ, एवरेज अगर 70 से कम है तो मार्जिनल पास, लेकिन अगर अगर यानी आपके मार्क्स जो एवरेज है वो 60 से भी कम है तो एल्स का केस एग्जीक्यूट होगा जो कि फेल रिटर्न करेगा. तो कंपाइलर इग्नोर्स इंडेंटेशन एंड पेयर्स द एल्स विद द सेकंड इफ. तो इसका मतलब ये है कि ये डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम है यहाँ पे इंडेंटेशन तो की गई है लेकिन क्योंकि इफ एक सिंगल है, सॉरी एल्स सिंगल है, इसको नहीं पता चल रहा कि ये इस इफ के साथ है या फिर इस इफ के साथ है, तो ये अपने आप को इस इफ के साथ अटैच कर लेगा. यानी अगर 70 से ज़्यादा आपकी एवरेज होगी तो वो फेल डिक्लेयर कर देगा, जो कि गलत प्रोसीजर है. इस सेल्स को इस सिफ के साथ अटैच होना चाहिए. थ्री नंबर से, अच्छा ये बड़ा ही मशहूर प्रोग्राम है जो कि किस मकसद के लिए है कि आपने थ्री नंबर्स इनपुट करवाने हैं यूज़र से जो कि सी इन के ज़रिए करवाए गए हैं, ए बी और सी, और इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर तीन नंबरों में से, अगर मैं कहती हूँ ए बी सी में से ए स्मॉलेस्ट है तो ए बी से भी स्मॉलर होगा और सी से भी स्मॉलर होगा. तो दो कंडीशंस होनी चाहिए इसमें. तो वही नेस्टेड इफ के ज़रिए दिखाया गया है. तो नेस्टेड इफ में सबसे पहले आपके पास इफ मौजूद है और इफ ए इज़ लेस देन बी, आपने ये चेक कर लिया, अगर ए बी से छोटा है आप इफ के ब्लॉक में गए. फिर इफ ए इज लेस देन सी, यानी ए बी से भी छोटा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, ए सी से भी छोटा हो, तो आपने क्या लिखना है, ए इज स्मॉलेस्ट नंबर. लेकिन अगर ए सी से छोटा ना हो, यानी अंदर वाला इफ का जो ब्लॉक है, अंदर वाली इफ जो है वो फॉल्स रिटर्न करे, तो आपने एल्स के केस में आना है. एल्स के केस में सी आउट करवा देना है, सी इज स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि सी ए से छोटा है और बाहर वाले ब्लॉक की इफ ने हमें ये बता दिया कि ए बी से छोटा है, और यहाँ से ये प्रूव हो गया कि सी ए से छोटा है, तो हम कह देंगे सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर. उसके बाद अगर हम इस एल्स के ब्लॉक में आए, इसमें कब आएंगे, जब ए बी से छोटा नहीं होगा, यानी बी ए से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए से छोटा है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या बी सी से भी छोटा है. तो इस ब्लॉक के अंदर जो इफ है, इफ बी इज लेसर देन स्मॉलर देन सी, तो हमने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि बी इज स्मॉलेस्ट नंबर. अदरवाइज, इसका अदरवाइज है ये, यानी बी सी से छोटा नहीं है, सी बी से छोटा है, तो एल्स में आपने लिख दिया सी इज स्मॉलेस्ट. तो इसको अगर आप रन करेंगे, एंटर थ्री नंबर्स पूछेगा, क्योंकि हमने सी आउट वो करवाया हुआ है, उसके बाद सी इन की स्टेटमेंट है, और सी इन में तीन नंबर्स इनपुट हो रहे हैं, 20, 35 और 13, तो इसने डिक्लेयर कर दिया 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. 13 किस में था, सी में था, और यहाँ पे ए में 20 है और बी में 35 है. ए इज लेस देन बी ट्रू होगा, हम इधर आएंगे, ए इज लेस देन सी फॉल्स होगा, हम इधर आएंगे, और सी इज स्मॉलेस्ट नंबर या फिर 13 इज स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा. ये इस किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी अगर यूजर ये तीन नंबर इनपुट करता है तो. सो ये था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स.